नमन है, इसका वंदन है। और इस भूमि पर रहने वाले, पवित्र भूमि पर रहने वाले, इस ऐतिहासिक पौराणिक भूमि पर रहने वाले सभी आप लोगों का अभिनंदन है। मित्रों, आज हम योग दिवस मना रहे हैं, इस सब की आपको बधाई योग दिवस की। और योग दिवस आज ही के दिन क्यों, 21 जून, क्योंकि आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से, उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर होता है। सूर्य के दो महत्वपूर्ण दिन है, 14 जनवरी जब उत्तरायण में आते हैं सूर्य, और 21 जून जब दक्षिणायन की ओर अग्रसर होते हैं सूर्यदेव। आज के दिन सूर्य की पूर्ण दृष्टि इस पृथ्वी पर होती है, इसलिए इस दिन को चुना गया। और इस वर्ष सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसे बृहद रूप से मनाने का जो फैसला माननीय योगी जी ने लिया है, उसी के अंतर्गत हस्तिनापुर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। योग हमारी पुरानी विरासत है मित्रों, एक वो विरासत जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। व्यायाम जो करते हैं प्रतिदिन वो भाग्यशाली है, लेकिन जो योग से व्यायाम करते हैं वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन योग से शारीरिक स्वस्थता होती है, मानसिक स्वस्थता होती है, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। ये एक ऐसी विरासत है हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने व्यायाम को वैज्ञानिक रूप दिया। शरीर के हर भाग का स्पंदन कैसे हो और वो स्पंदन शारीरिक रूप से मजबूत करे व्यक्ति को, मानसिक रूप से मजबूत करे, नैतिक रूप से मजबूत करे, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करे, ऐसी विधा है हमारी ये योग। कुछ काल ऐसा आया कि हम लोग अपने संस्कृति के उत्कृष्ट कृतियों को, जो कभी ऋषि मुनियों ने बड़ी भारी रिसर्च करके दी समाज को, उन्हें विस्मृत किया गया। उसमें योग भी एक था। एक कालखंड का दौर यह भी रहा इस देश में, विदेशियों ने उसके महत्व को समझा और योग को योगा कहा, और जब योग योगा बना तो पुस्तकों में सजकर हमारे ड्राइंग रूम में या लाइब्रेरी की अलमारियों की शोभा बनकर रह गया। यह प्रगति जरूर हुई एक समय, लेकिन यदि हम अपनी ही संस्कृति की वैशिष्ट को भूल जाएंगे तो विश्व कैसे उसको मान्यता देगा। मैं अपने नेता मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विरासत को पूरे विश्व के पटल पर ले आए। यूएनओ में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो ये शायद उन चंद प्रस्तावों में से एक रहा होगा कि उस प्रस्ताव को जब विश्व ने सुना तो यूएन ने तुरंत मान्यता दी, क्योंकि उसके वैशिष्ट को जिस ढंग से मोदी जी ने रखा उसको पूरे विश्व ने समझा। और 21 जून को ये योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया। इस समय पूरा हिंदुस्तान योग दिवस के रूप को मनाते हुए योग कर रहा है, और जैसे जैसे सूर्य अपनी गति को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ेगा, और जहां जहां सूर्य उदय होगा वहां उस हर देश में ये
कार्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे। ये दिया है मोदी जी ने, पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है हमारे इस विरासत को, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है मेरा देश। यह मेरे नेता की देन है। मोदी जी ने योग भी दिया है और इस प्रदेश के माध्यम से दुनिया को योगी भी दिया। एक समय हुआ गंगा मैली हो गई, योगी जी ने नमामि गंगे के कार्यक्रम लेकर गंगा का स्वच्छ अभियान चलाया और वो दिन देखने को मिला इस देशवासियों को जब बनारस के तट पर मोदी जी के साथ जापान के प्रधानमंत्री ने गंगा की आरती उतारी, उस दिन मेरा देश विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त हुआ। यह दिया मेरे नेता मोदी ने इस देश को, इस समाज को, मेरे देशवासियों को। उसी के अंतर्गत ये योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। देश विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। इस वैशिष्ट्य को जो लोग प्रतिदिन करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, वो सौभाग्यशाली हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए प्रेरणा स्थल है कि हमको भी इस वैशिष्ट्य को स्वीकार करते हुए अब अंगीकार करना चाहिए, जिससे यह देश मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सके। तो भौतिकवाद को विनाश की ओर ले जाएगा, उसके बीच में अगर आध्यात्मिकता की चेतना जागृत होगी तभी सामंजस्य बनेगा, बैलेंस बनेगा। तो आज के दिन हम सब लोग ये योजना बनाए कि जो योग प्रतिदिन करते हैं वो सौभाग्यशाली है, और हम उस सौभाग्यशाली की श्रेणी में अपने आप को सम्मिलित करें, और जो मोदी जी की आकांक्षा है उसको पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देता हूँ, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।